नमस्कार साथियों। साथियों, जीवन का नाम है गति, यानी गति है तो जीवन है। अगर गति रुक गई तो जीवन जैसे लगता है थम जाता है। अगर हमारी गति में कोई बाधा नहीं है, बिना अवरोध के अगर गति सामान्य रूप से चल रही है तो जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से हमारी गति में अवरोध पैदा हो जाता है, यानी कि हम दर्द से परेशान हो जाते हैं। अगर आपको भी दर्द की समस्या हो, वो चाहे जोड़ों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, जिसके वजह से आपका चलना फिरना उठना बैठना दुश्वार हो गया है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि दर्द से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आकर के हम डॉक्टरों से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं अब बिल्कुल परेशान हो गया हूं, आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं। साथियों, बहुत ही दुखद बात होती है, और तो और तब होती है जब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं दवा खा खा के परेशान हो गया हूं, और इस दर्द की वजह से मुझे और भी कई परेशानियां अब देखने को मिल रही है। इतनी ज्यादा दवाएं मैं खा रहा हूं कि मेरी अन्य परेशानियां अब शुरू हो गई। साथियों, आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, आपको इस दर्द का एक ऐसा समाधान, जी हाँ साथियों, मैं आज ऐसी 11 होम्योपैथिक दवाओं को लेकर आया हूं जो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही काफी रिसर्च, और ये दवाएं हजारों पेशेंट के ऊपर आजमाने के बाद मैं आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले, दवाओं को शुरू करने से पहले, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है, अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी अगर भविष्य में भी देखना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो YouTube पे डॉक्टर एस बी तिवारी को आप सब्सक्राइब करके आइकन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथियों, ऐसी ही गुड़ और ऐसी ही टेस्टिमोनियल और ऐसी ही जांची पर्ची जानकारियां आप लोगों के सम्मुख रखी जाती हैं, जिससे कि आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सके, आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो सके। साथियों, अगर पहली दवा की हम बात करें तो पहली दवा है साथियों ब्राइनिया। मैं आपको यहां बता दूं कि एक एक दवा को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप एक एक बात को ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके मेमोरी में डाल लीजिएगा, ताकि जब भी आपको दर्द की बात आए आप मेरी जानकारियों के आधार पर दवा का जो है चुनाव, दवा लेकर के आप लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। साथियों, पहली दवा की अगर हम बात करें तो ब्राइनिया। ब्राइनिया साथियों होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो दर्द के लिए तो बिल्कुल रामबाण है। अगर ये कंडीशन आपको हो, यानी कि जब आपको दर्द हो रही है जिसके वजह से आपका चलना फिरना हिलना डुलना बिल्कुल दुश्वार है, आप बैठे हैं, आपको दर्द नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही आप उठे, जैसे ही आप चलना कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही मूवमेंट हो रहा है, आपके दर्द शुरू हो जा रहे हैं। और तो और, दर्द के साथ साथ जो दर्द वाला पार्ट है वो सूज भी जा रहा, यानी इन्फ्लेमेशन भी हो जा रहा, और उसके साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा सुस्ती और मुंह जिसे सूख जाता है, आपको बार बार प्यास लगती है और म्यूकस आउटलेट्स जो है ड्राई से हो जाते हैं। बस आपको ब्राइनिया का प्रयोग करना है। ब्राइनिया साथियों आप 30 पावर में यूज करिए, 201 में भी जा सकते हैं, और इस दवा को अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सीबीआरटी आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको जानकारी बता दूं कि जो दवाएं आपको बताने जा रहा हूं, जिस पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी दवाएं आप चिकित्सक के परामर्श से लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी, इसलिए कि कंडीशन के हिसाब से दवाओं का डोज चिकित्सक डिसाइड करता है। दूसरी दवा है साथियों आरटी, यानी रस्टक्स। साथियों होम्योपैथी की रस्टक्स भी एक ऐसी अद्भुत दवा है, एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो हजारों बीमारियों पर काम करती है, लेकिन दर्द के लिए तो किसी रामबाण से कम नहीं है।
बहुत हमारे भाई होते हैं जो क्या करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह उठता हूं तो पहला कदम तो मेरा जैसे लगता है कि जमीन पर रखते ही मेरी हालत खराब हो जाती, लेकिन जब मैं कुछ कदम चल लेता हूं तो मेरी दर्द में आराम हो जाता है। यानी कि ऐसा पेन जिसमें मोशन से एमुलरेशन हो, आप आरटी लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगी। और आरटी को तब और अच्छा बेनिफिशियल पाया गया है जब अगर गर्मी से बरसात का मौसम हो, मौसम में नमी आए और आपका दर्द बढ़ जाए, बस आरटी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त दवा। इस दवा को भी 30-200 mg आप जैसी कंडीशन हो वैसा प्रयोग, जैसा बीमारी हो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरी दवा है साथियों रूटाजी। रूटाजी होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो हड्डियों के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है। बहुत हमारे ऐसे भाई होते हैं जिनको कि कमर में दर्द होती है, गर्दन में दर्द होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, हिप्स में दर्द होता है, कमर में दर्द होती है, उनके लिए दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसके साथ एक पिकुलियरिटी ये है, एक इसका एक बहुत ही अनकॉमन सिम्टम ये है कि अगर दर्द का एग्रीवेशन यानी दर्द बहुत तेज हो तब जब आप कोई फाइन वर्क करें, जैसे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, जैसे सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, या हमारी माताएं बहनें झुक करके खाना बनाती हैं तो चावल बीनती हैं या सब्जी काटती हैं, या हमारे ऐसे भाई बच्चे जो पढ़ते हैं, यानी गर्दन को झुका करके जब कंसंट्रेट होकर के कोई भी फाइन वर्क किया जाए और आपके को की दर्द समस्या हो, आपको ये दवा बहुत ही अच्छा करे काम करेगी। यानी कि सर्वाइकल के लिए रूटाजी एक बहुत ही आजमाई और बहुत ही ट्रस्टेड दवा। इस दवा में चक्कर भी आता है, अगर सर्वाइकल में आपको पेन के साथ साथ चक्कर है तो इस दवा का प्रयोग करिए। इस दवा का एक और भी बहुत अच्छा यूज है कि अगर हड्डी में दर्द हो रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि फ्रैक्चर होने के वजह से आपके हड्डी में दर्द हो रहा है, हड्डी सही से जुड़ नहीं पा रही, हड्डी में इन्फ्लेमेशन है, तो भी इस दवा का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करती है। रूटाजी भी 30-200 mg में आप प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे। अगली दवा यानी चौथी दवा है साथियों मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास होम्योपैथी की पेन किलर के रूप में यूज की जाती है। इस पर हमने अलग से भी आपको जानकारी दी है जिसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैग्नीशिया फास के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मोटा मोटी आपको बता दूं कि होम्योपैथी में पेन किलर के तौर पे यूज की जाने वाली सबसे भरोसेमंद दवा अगर कोई है तो वो है मैग्नीशिया फास। आपको दर्द कहीं भी हो रही, हड्डी में दर्द हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रही है, और आपको दर्द में तुरंत आराम चाहिए, तो मैग्नीशिया फास 6x पावर में 4-4 गोली आप आधे आधे घंटे पे लीजिए, दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। और अगर दर्द बहुत पुरानी है तो इसे कंटिन्यू कुछ दिन तक रख लीजिएगा। इस दवा को पोटेंसी में भी यूज किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली दवा है साथियों पांचवी दवा है कलकेरिया फास। कलकेरिया फास होम्योपैथी की एक बहुत ही भरोसेमंद दवा है। जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जोड़ों जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हड्डी टूट जाएगी, कहीं ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं ना, मेरी हड्डियां डॉक्टर साहब बहुत कमजोर हो गई हैं, अंदर से लगता है कि भारी भारी दर्द दर्द सी रहती है, ऐसे कंडीशन में चाहती हूँ एज ए कैल्शियम सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम लोग कलकेरिया फास का यूज करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमारे बच्चों में भी अगर कैल्शियम की कमी के वजह से उनको दिक्कत आती है, बच्चे लेट से चलते हैं, बच्चे सही से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो उनको भी हम लोग कलकेरिया फास यूज कराते हैं। यानी ये हड्डी की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा को भी 6x पावर में मोस्टली यूज होती है, ऐसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करिए। छठवीं दवा है साथियों डलका मारा। डलका मारा होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपके लिम्स में आइसी कोल्डनेस फीलिंग हो, जैसे ऐसे लगता है कि अब हमारे हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए, बिल्कुल ठंडा हो गए, यानी आइसी कोल्डनेस अगर एक्सट्रीमिटीज में आपको लग रहा है, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। और
एक इसका सिम्टम बहुत ही अच्छा है साथियों, इस चीज को आप दिमाग बैठा लीजिए कि रूमेटिज्म अगर स्किन इरप्शन के साथ होता है, यानी कि आपको जोड़ों में दर्द हो और उसके साथ साथ आपके स्किन पे इरप्शन हो, तो डर का मारा तो बिल्कुल राम बाण है। इसका प्रयोग करिए, इसे 30-200 में जैसी कंडीशन हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप केसेस इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे लंबे दिनों तक भी कंटिन्यू रखा जा सकता है अगर समस्या गंभीर है तो। अगली दवा है साथियों, सातवीं दवा है जिलसीमियम। होम्योपैथी में जिलसीमियम को एक बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है। ऐसे कंडीशन में जहां लॉस ऑफ पावर ऑफ मसल्स एंड बोन, जहां मांसपेशियों, नसों और हड्डियों में जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पावर की कमी हो जाए, तो उसके लिए जिलसीमियम बहुत ही अच्छा काम करती है। कुछ लोग तो जैसे लगता है कि बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे, चलते हैं तो जैसे लगता है पैर लड़खड़ाने लगता है। बहुत लोग तो हमारे ऐसे भाई हैं कि वो लिख नहीं पाते हैं, यानी उनको राइटर्स क्रैम्प होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जिलसीमियम का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि नसों में, मांसपेशियों में, हड्डियों में ताकत के लिए जिलसीमियम का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करेगी साथियों। जिलसीमियम को 30-200, 1 mg, 10 mg या मदर टिंचर में भी यूज किया जा सकता है। ये कंडीशन के हिसाब से इस दवा का प्रयोग किया जाएगा। अगली दवा है साथियों लीडम्पाल। आठवीं दवा की हम अगर बात करें तो लीडम्पाल के रूप में होम्योपैथी में एक वरदान दवा साबित हुई है। अगर आपको नसों में दर्द हो रही हो और कंडीशन एक बहुत लोग जैसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में दर्द हो रही है, जब मैं चलता हूं तो जैसे लगता है कि बिच्छी मारी हुई है, जैसे लगता है कि नीचे से दर्द मेरी ऊपर की तरफ आती है, जैसे झन्न से करता है, लगता है कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट जैसा नीचे से कोई ऊपर चीज नसों में आ रही है, तो अगर इस तरह की कंडीशन है साथियों तो लीडम्पाल का प्रयोग करिएगा। ये सियाटिका वगैरह में भी बहुत अच्छा इसका रोल देखा गया। नौवीं दवा है साथियों गॉलथेरिया। गॉलथेरिया होम्योपैथी की इन्फ्लामेटरी रूमेटिज्म की बहुत ही अच्छी दवा है। थोड़ी रेयर मेडिसिन जरूर है, लेकिन अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है और दर्द में सूजन है, बहुत लोग देखे होंगे कि घुटने में सूजन हो जाता है, ये एंकिल में सूजन हो जाता है और बहुत भयंकर दर्द होती है, तो साथियों गॉलथेरिया को आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर दे। इसका मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। इस दवा को चेस्ट पेन में भी यूज किया जा सकता है, यानी कि चेस्ट पेन में भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है साथियों यूपेटोरियम पर, बहुत ही जानी पहचानी दवा। ये यूपेटोरियम पर साथियों ऐसी दवा है कि आपके अगर हड्डी में दर्द हो रहा, और हड्डी में कैसा दर्द, जैसे लगता है कि हड्डी तोड़ बुखार है, एकिंग पेन हो रही, यानी कि हड्डी में इतनी दर्द हो रही है कि जैसे लगता है कि हड्डी मेरी अंदर से बिल्कुल ब्रुइस्ट हो गई हो। बहुत हमारे ऐसे भाई होते हैं कि हड्डी में इतनी दर्द होती है जिसकी वजह से उनका चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको दर्द के साथ साथ शरीर में बुखार की भी कंडीशन होती है। हम लोग इस दवा को हड्डी तोड़ बुखार में भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो या वायरल फीवर, जहां पे बुखार के साथ साथ हड्डियों में बहुत भयंकर दर्द होती है, एकिंग पेन इन ज्वाइंट्स होता है, एकिंग पेन इन बोन्स होता है, वहां पे यूपेटोरियम पर्प को बहुत ही भरोसे के साथ यूज किया जाता है कि ये दवा काम करेगी ही करेगी। इस दवा को 30-200 mg या मदर टिंचर में भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगली और अंतिम दवा है साथियों सैंगुनेरिया कैन। सैंगुनेरिया कैन होम्योपैथी की पेन की बहुत अच्छी दवा है। ऐसे कंडीशन में जब आपको राइट शोल्डर में दर्द हो रहा है, यानी रूमेटिक पेन आप राइट शोल्डर हो, आप सैंगुनेरिया कैन का यूज करिए, बहुत अच्छा काम करेगी। कभी कभी साथियों देखे होंगे कि आपके सोल और पाम में क्या होता है कि बहुत जलन होती है। लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तलवे में, चाहे वो पैर का हो चाहे हाथ का, उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है। तो साथियों पेन के साथ अगर आपके तलवे में जलन हो
तो आप इस दवा का प्रयोग करिएगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको लेफ्ट हिप ज्वाइंट्स में अगर पेन हो रहा है, कभी कभी लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट हिप ज्वाइंट्स में बहुत भयंकर दर्द होती है, तो उसमें भी सेंगोनेरिया कैन का प्रयोग आप करेंगे, ये बहुत अच्छा काम करेगी। इस दवा को 30-200 mg में आप इसका प्रयोग करें, कभी कभी मदर टिंचर में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आज आपने अपने दर्द की समस्या को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए 11 होम्योपैथिक महत्वपूर्ण दवाओं को समझा जाना। अगर इन दवाओं का भविष्य में कभी भी प्रयोग करना है और आपने इस दवा का प्रयोग किया और आपको सही तरीके से रिजल्ट मिला, तो मुझे जरूर एक बार धन्यवाद दीजिएगा। और अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं मिलता है तब भी आप बताइएगा, इसलिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन बॉटम, कहीं ना कहीं आपको दवा को लेने में गलती हुई है, डोज में गलती हुई है। उसके लिए हम लोग आपके सदैव साथ हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस पी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।